रंगून मूवी रिव्यू रोमांच जुनून और रोमांस से भरपूर है विशाल भारद्वाज की रंगून। फर्स्ट हाफ का रिव्यू कंगना रनौत ने एक बार फिर साबित कर दिया है आखिर क्यों वो बॉलीवुड की क्वीन है। 2017 की मोस्ट अवेटेड फिल्म रंगून आखिरकार 24 फरवरी को रिलीज हो रही है। आज मुंबई में रंगून का प्रेस शो रखा गया था। आइए जानते हैं कैसी है रंगून की कहानी। दर्शकों का रंगून के लिए बेसब्री भरा इंतजार आखिरकार हुआ खत्म। विशाल भारद्वाज ने बॉलीवुड को हैदर और कमीने जैसी बड़ी फिल्में दी है तो लोगों की रंगून को लेकर उम्मीदें बहुत बढ़ गई है। फिल्म के ट्रेलर को ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। विशाल भारद्वाज ने बॉलीवुड के तीन महान कलाकारों को एक मंच पर उतारा इसलिए दर्शक और भी उत्साही हो गए। रंगून 1940 के दशक की कहानी है जिसमें कंगना रनौत जूलिया पहले से ही टीवी कलाकार होती है और अपनी कला प्रेजेंट करते हुए वह फिल्म में धमाकेदार एंट्री मारती है। उनके प्रोड्यूसर और कोई नहीं बल्कि फिल्म की नींव सैफ अली खान है। सैफ अली खान न सिर्फ कंगना के प्रोड्यूसर होते बल्कि वह उनसे फिल्म में बेइंतहा प्यार भी करते हैं। 1940 के समय बर्मा में सैनिकों की लड़ाई चल रही होती है इसलिए कंगना रनौत को सैनिकों का मनोरंजन करवाने के लिए बर्मा ले जाने का इंतजाम किया जाता है। कंगना रनौत की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक सैनिक को दी जाती है और वह सैनिक और कहीं नहीं बल्कि शाहिद कपूर जमादार नवाब मालिक होता है। इसी दौरान फिल्म में शाहिद कपूर की एंट्री होती है। बर्मा में ले जाते वक्त एक हमला हो जाता है जिसमें कंगना और शहीद कपूर एक जंगल में बाकी दल से अलग हो जाते हैं। कंगना को जंगल में दुश्मन सैनिक से बचाने का पूरा जिम्मा शहीद कपूर के सर होता है। इंटरवल तक शहीद कपूर ने कंगना रनौत को संभल कर रखा है और जंगल में इन गौनों की केमिस्ट्री लाजवाब है। रंगून का फर्स्ट हाफ बहुत ही मनोरंजक और जुनून से भरा हुआ है। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर लाजवाब है। विशाल भारद्वाज के निर्देशन ने रंगून में जान डाल दी है। लाइव के संवाददाता के मुताबिक पहले हिस्से में रंगून आपको इस कदर बांध कर रखती है कि आप एक पल के लिए भी कुछ और नहीं सोच सकते हैं। एक्टिंग की बात करें तो कंगना रनौत ने बता दिया है कि वह बॉलीवुड की क्वीन क्यों है। शहीद कपूर का रोल बहुत ही निडर दिखाया गया है और उन्होंने यह बता दिया है कि वह विशाल भारद्वाज के फिल्म के लिए पहली चॉइस क्यों होते हैं। सैफ अली खान ने भी अपने एक्टिंग से फिल्म में जान डाल दी है। देखते हैं दूसरे हिस्से में रंगून अपना जलवा कायम रख पाती है या नहीं। जल्द ही हाजिर होते हैं रंगून के पूरे रिव्यू के साथ।